प्रदेश में एक बार फिर कोरोना तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना पेशेंट मिलने लगे हैं। उसी के चलते अब शासन प्रशासन सक्रिय नजर आने लगे हैं। ग्रामीण एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा के निर्देशन में पुलिस थाना के प्रभारियों द्वारा बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वह कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और मास्क लगाकर ही घर से निकले। इसी के चलते बुधवार के दिन ग्रामीण एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा ने स्वयं ही कन्नौल में पैदल चलकर दुकानदारों को कोरोना को लेकर समझाइश देते हुए मास्क लगाने की सलाह दी। वहीं उन्होंने कहा कि अन्य लोगों को भी यह सलाह दें कि वह घर से निकले तो मास्क लगाकर निकले, जिससे कि हम इस महामारी से बच सके। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। सर, आज एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। सर, आपके द्वारा वाहन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है, क्या संदेश दिया सर जनता को सर आपके द्वारा? सर, पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से लगभग पूरा देश प्रभावित हो रहा है, और आज हमने फिर से आज कन्नौज की जनता को ये आगाह किया कि आसपास के जिलों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो हम इधर ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो हम सब सतर्क हो जाएं। जो कोरोना संक्रमण से बचाव का सिंपल उपाय है, मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें और दूरी बनाए रखें, किसी भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में बाजार में सम्मिलित ना हो, इसके पालन करने के लिए हमने फिर से सबको आज जागरूक किया है और ये अभियान हम लगातार चलाते रहेंगे। इस अभियान के तहत हम फ्री में मास्क भी बांटेंगे, जो नहीं पहनेंगे तो उनको जुर्माना भी लगाएंगे और लोगों को लगातार हम प्रेरित करते रहेंगे। सर, शासन स्तर से आमजन के लिए, व्यापारियों के लिए कोई सर आदेश मिले हो सर इस मामले को लेकर? सर, केवल माननीय कलेक्टर साहब की तरफ से यह निर्देश हुआ है कि सभी लोग अपनी अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वहन करें, जिम्मेदारी को समझें और जो भारत सरकार की मंशा है, 3 चीज़ें, हाथ धोना, मास्क पहनना और दूरी बनाना, इसका 100% पालन करें। धन्यवाद सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।